हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन चैनल पर। सबसे पहले आप सभी का थैंक यू, क्योंकि हमने इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स पार कर लिए हैं। इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखें। आज हम देखेंगे चकी की दुल्हनिया। ब्राइड ऑफ चकी चाइल्ड्स प्ले सीरीज की फोर्थ फिल्म है। ये रिलीज की गई थी 1998 में और इसका IMDb रेटिंग 5.4 है। चाइल्ड्स प्ले 3 लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई थी, इसलिए इस मूवी में नयापन लाने के लिए हर कोशिश की गई है। पिछली 3 मूवी का प्लॉट भी काफी सिमिलर था, जिसमें चकी अपनी डोल बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश करता है और एंडी उसे रोकता है। लेकिन इस फिल्म में एंडी नहीं है और एक और कैरेक्टर को ऐड किया गया है, जो है टिफनी, चकी की वाइफ। इस मूवी के साथ चकी सीरीज का टोन काफी बदल दिया गया और इस फिल्म में काफी वियर्ड चीजें होने वाली हैं, तो उनके लिए भी तैयार रहिए। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि चकी एक बड़े से ब्लेड में गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया था। कहानी शुरू होती है इसके 1 महीने बाद। हम एक पुलिस स्टेशन का एविडेंस रूम देखते हैं, जहां कई सारे हॉरर रेफरेंस हैं, जिनके बारे में हम वीडियो के एंड में जानेंगे। यहां एक पुलिस ऑफिसर आता है और एक लॉकर में से एविडेंस का एक बैग लेकर निकल जाता है। वो इस एविडेंस बैग को पैसों के बदले बेचने जा रहा था। अपनी लोकेशन पर पहुंचकर ऑफिसर उस बैग को खोल के देखता है कि आखिर उसमें है क्या, और तभी कोई पीछे से उसका गला काट देता है। ये काम किया था टिफनी ने। टिफनी चार्ल्स की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जब वो ह्यूमन था, और आपने अब तक गेस कर ही लिया होगा कि इस बैग में चकी के बचे हुए टुकड़े हैं। टिफनी को यकीन था कि चार्ल्स की सोल अभी भी इसी डोल में है और वो उसे रिजरेक्ट कर सकती है। टिफनी घर जाकर चकी के टुकड़ों को टाके मारकर जोड़ देती है और दूसरी डोल्स के पार्ट्स लगाकर चकी को पहले जैसा कर देती है, और चकी का लुक अब और भी डरावना हो गया था। इसके बाद टिफनी एक बूडू की किताब पढ़कर वही डम्बेला वाले चेंट्स पढ़ती है, लेकिन उसका कुछ असर नहीं होता। तभी वहाँ टिफनी का फ्रेंड डेमियन भी आ जाता है। कुछ देर बाद टिफनी देखती है कि चकी अपनी जगह नहीं है। वो समझ जाती है कि चकी जिंदा हो चुका है और वो डेमियन को सेड्यूस कर बांध देती है, और चकी अपने आप को रिवील करता है और डेमियन को एक पिलो से मार देता है। और चकी को जिंदा देख टिफनी बहुत खुश थी, क्योंकि टिफनी और चार्ल्स की शादी होने वाली थी। टिफनी चकी को वो रिंग भी बताती है जो उसे मिली थी जिस रात चार्ल्स मारा गया था। लेकिन ये सब सुन चकी बहुत हंसता है। वो टिफनी से शादी कभी करने ही नहीं वाला था। ये सुन टिफनी अपसेट और गुस्सा हो जाती है और चकी को एक केज में बंद कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डेविड को, जो अपनी गर्लफ्रेंड जेड को प्रोम नाइट के लिए पिक करने आया था। लेकिन रास्ते में पता चलता है कि जेड का बॉयफ्रेंड जेसी है। जेसी जेड के अंकल वॉरेन को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए डेविड उसे पिक करने गया था। लेकिन रास्ते में इन्हें वॉरेन पकड़ लेता है और जेड को वापस घर ले जाता है। जेसी का फ्रेंड उसे बहुत अच्छी एडवाइस देता है कि उन दोनों को भाग के शादी कर लेनी चाहिए, और जेसी टिफनी के पड़ोस में ही रहता है। इधर टिफनी चकी को कंपनी देने के लिए एक ब्राइट डोल लाती है और उसके केज में डाल देती है, और इसके बाद वो बाथटब में नहाते हुए टीवी देखती है। और चकी उस डोल के गले से वेडिंग रिंग निकाल के लकड़ी का केज काट लेता है और फ्री हो जाता है, और टिफनी से बदला लेने उसे मारने जाता है। वो उस टीवी को टिफनी के टब में गिरा देता है, जिससे करंट लगने से टिफनी मारी जाती है। उसके मरने के बाद चकी सेम वूडू रिचुअल करता है और टिफनी की सोल उस ब्राइट डोल में ट्रांसफर कर देता है। अब खुद को उस डोल में फंसा हुआ देख टिफनी काफी गुस्सा हो जाती है, और चकी उससे कहता है कि अब उसे चकी की बात सुननी ही होगी। अगर उन दोनों को अपनी सोल ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर करना है, तो उन्हें हार्ट ऑफ डम्बेला लॉकेट चाहिए, जो चार्ल्स ने मरते टाइम पहना हुआ था। और वो लॉकेट अब उसकी लाश के साथ न्यू जर्सी के कब्रिस्तान में दफन है, क्योंकि ये दोनों ही ड्राइव नहीं कर सकते अपने छोटे छोटे पैरों के कारण। इन्हें कोई चाहिए जो इन्हें वहां तक ले जा सके। जेसी टिफनी के पड़ोस में ही रहता था। टिफनी उसे कॉल करती है और उसे 2 डोल्स को न्यू जर्सी तक ट्रांसफर करने को कहती है $1000 के लिए, और जेसी इसके लिए मान जाता है। और शाम को जेसी टिफनी की वैन में इन दोनों डोल्स को पिक करने आता है, जो उसके लिए सिर्फ डोल्स थी, और उन्हें लेकर निकल जाता है और जेड के पास जाकर उसे साथ भागकर शादी करने को बोलता है, और जेड मान जाती है और अपना सामान पैक करने जाती है। इधर वॉरेन जेसी को फंसाने के लिए चुपके से उसकी वैन में भीड़ रखने आता है। चकी और टिफनी भी ये सब देख रहे थे, और उनकी रोड ट्रिप रुके ना, इसके लिए वो वॉरेन को मार देते हैं। फिर उसकी बॉडी को वैन में ही एक बॉक्स में छुपा देते हैं। चकी और टिफनी अपनी सोल जेसी और जेड में ट्रांसफर करने का सोच रहे थे।
जेसी और जेड कुछ ही दूर जाते हैं और उन्हें वॉरेन का फ्रेंड नॉर्टन फिर रोक लेता है और इनकी वेन की तलाशी लेने लगता है और वॉरेन की बॉडी से पहले वीट ढूंढ लेता है और दोनों को अरेस्ट करने का बोलता है। अब चकी और टिफनी को इसे भी ठिकाने लगाना होगा। जेड पास की पार्टी में खो जाती है और जेसी भी उसे ढूंढने जाता है। जब नॉर्टन वॉरेन से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा था तभी चकी चुपके से उसकी कार के फ्यूल टैंक में एक शर्ट रखकर उसमें आग लगा देता है और कुछ ही देर में उसकी कार ब्लास्ट हो जाती है और जेड और जेसी वेन लेकर भाग जाते हैं। अब दोनों को ही नहीं समझ आ रहा था कि यहाँ क्या हुआ और दोनों ही एक दूसरे पर शक कर रहे थे, लेकिन फिर भी एक चर्च में जाकर दोनों शादी कर लेते हैं। चकी और टिफनी कार में म्यूजिक सुनते हैं और टिफनी भी अपनी शादी के सपने देख रही थी। रात में ये लोग एक स्वीट में रुकते हैं और इनके रूम में एक और कपल गलती से आ जाता है और उस कपल की ब्राइड चुपके से जेसी का पर्स चुरा लेती है, लेकिन टिफनी उसे ऐसा करती देख लेती है। कुछ देर बाद टिफनी उस कपल के रूम में जाती है। जब वो कपल बेड पे था तब टिफनी एक बोतल उनके ऊपर लगे कांच पे मारती है जिससे उस कांच के टुकड़े इन दोनों पे गिरते हैं और दोनों की मौत हो जाती है और चकी इतना औसम किल देखकर टिफनी से इम्प्रेस हो जाता है। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं लेकिन यार यहां मैं पिघल गया। और उसे आई लव यू बोल उसे वेडिंग रिंग भी पहना देता है और टिफनी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। फिर वो अपनी वेडिंग नाइट सेलिब्रेट करते हैं। इधर जेड और जेसी दोनों ही डेविड को कॉल करते हैं। उन्हें अब भी एक दूसरे पर शक था। डेविड उन्हें बताता है कि पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। अगली सुबह हाउसकीपिंग को उस कपल की बॉडी मिलती है और वो जोरों से चिल्लाती है। जेसी और जेड ये देख वहां से निकलने लगते हैं और डेविड भी वहां आ चुका था। डेविड रास्ते में इन दोनों को समझाता है कि उन दोनों को गलतफहमी हुई है और उन्हें एक दूसरे पर ट्रस्ट करना चाहिए। कुछ देर बाद डेविड वही बॉक्स खोलता है जिसमें वॉरेन की लाश थी और ये देख उसका ट्रस्ट गड्ढे में चला जाता है। वो वॉरेन की गन निकालकर जेड और जेसी पर पॉइंट करता है और वेन रोकने को बोलता है। उसे लगता है कि सभी मर्डर्स इन दोनों ने ही किए हैं और अब चकी और टिफनी भी अपने आप को रिवील करते हैं और उन्हें देख डर कर डेविड रोड पे चला जाता है और एक ट्रक उसे कुचल देता है और चकी जेसी को वेन ड्राइव करने को बोलता है। चकी और टिफनी उन्हें रास्ते में सारी कहानी बताते हैं और एक दूसरी वेन भी चुरा लेते हैं जिसमें टिफनी एक अच्छी वाइफ की तरह चकी के लिए फूड भी कुक करती है, लेकिन जेसी और जेड इन दोनों में झगड़ा करवा देते हैं कि प्लेट कौन साफ करेगा और दोनों एक अच्छे हस्बैंड वाइफ की तरह लड़ने लगते हैं। और इनका ध्यान हटते ही जेड टिफनी को एक माइक्रोवेव में बंद कर देती है और जेसी चकी को विंडो से बाहर धक्का दे देता है, लेकिन चकी जेसी पर शूट करता है जिससे जेसी बच तो जाता है लेकिन उनकी वेन का एक्सीडेंट हो जाता है। जली हुई टिफनी माइक्रोवेव से निकल के जेड पर हमला करती है, लेकिन जेसी जेड को लेके वेन से निकल जाता है और फ्यूल स्पार्क से वेन ब्लास्ट हो जाती है और चकी जेड को लेके कब्रिस्तान पहुंच जाता है। फिर उससे अपना कॉफिन खुलवाकर डंबेल आकर लॉकेट भी ले लेता है। जेसी भी यहाँ टिफनी को लेके पहुंच जाता है और दोनों जेड और टिफनी की अदला बदली करते हैं, लेकिन चकी को टिफनी से कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो एक नाइफ जेड को मारता है जो जेसी को जाके लगता है, पर इसके बाद वो उन दोनों को बांध देते हैं और चकी डंबेला लॉकेट से अपना रिचुअल शुरू करता है, लेकिन टिफनी जेड और जेसी का प्यार देख के चेंज हो जाती है और चकी के पास जाकर उसकी पीठ में खंजर मार देती है। उसके हिसाब से उन दोनों को जीने का कोई हक नहीं है और चकी और टिफनी में फाइट होने लगती है जिसमें चकी टिफनी को एक नाइफ मार देता है और वो मर जाती है और जेसी चकी को उसी की ग्रेव में फेंक देता है। यहाँ ऑफिसर प्रेस्टन भी पहुंच जाता है और जेड चकी को कई बार शूट कर मार देती है। चकी मरने से पहले कहता है कि वो वापस आएगा क्योंकि वो हमेशा वापस आता है, क्योंकि ऑफिसर प्रेस्टन ने चकी को जिंदा देख लिया था। वो जेड और जेसी को घर जाने बोलता है क्योंकि वो निर्दोष थे। इसके बाद वो टिफनी की बॉडी के पास जाता है जो अचानक काफी चिल्लाती है और एक डोल बच्चे को जन्म देकर मर जाती है। वो बच्चा प्रेस्टन पे हमला करता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो गाइस अगर आपको चकी का ये पार्ट अजीब लगा तो अगले पार्ट सीड ऑफ चकी का वेट करिए। इस मूवी में चकी को काफी सेल्फ अवेयर दिखाया है और दूसरी हॉरर मूवीज के रेफरेंस भी डाले गए हैं, जैसे ओपनिंग सीन में माइकल मायर्स का मास्क हेलोवीन फिल्म से, जेसन का मास्क फ्राइडे द 13th से, लेदर फेस की चेनसो द टेक्सास चेनसो मासेकर से और फ्रेडी क्रूगर का ग्लव नाइटमेयर ऑन एम स्ट्रीट से देख सकते हैं।
जब चकी और टिफनी वॉरेन को मारते हैं तब चकी कहता है कि ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है। ये रेफरेंस था हेलरेजर मूवी के पिनहेड से। टिफनी की करंट से मौत वाला सीन चाइल्ड्स प्ले 1 में मैगी के लिए लिखा गया था, लेकिन बाद में उसे चेंज कर विंडो से गिरा दिया गया। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।